चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। आगरा मंडल में आगरा से पूर्व में वाया शिकोहाबाद लगभग 105 किलोमीटर सफर तय करने के बाद आगरा मंडल के चार जिलों में एक मैनपुरी जिले का मुख्यालय मैनपुरी शहर प्रारंभ होता है। मैनपुरी शहर के पश्चिमी छोर पर ही सिंधिया तिराहा से दक्षिण की ओर एक सड़क बाईपास के रूप में करहल चौराहा भावत चुंगी इत्यादि की ओर घूम जाती है। मुख्य सड़क सामने की ओर पूर्व दिशा में मैनपुरी शहर में प्रवेश करती है। वर्तमान में 1,87,000 की विशालकाय जनसंख्या वाला मैनपुरी शहर आगरा मंडल में आगरा, फिरोजाबाद एवं मथुरा के बाद चौथा सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। सिरसागंज मोड़, नवीन मंडी स्थल इत्यादि से होते हुए एक और मुख्य तिराहा ज्योति तिराहा दिखाई पड़ता है, जहां उत्तर की ओर जाने वाली सड़क ज्योति एवं सकीट की ओर प्रस्थान कर जाती है। ज्योति तिराहा से पूर्व की ओर मैनपुरी शहर का मुख्य आबादी क्षेत्र प्रारंभ होता है। इस मार्ग को शहर में आगरा रोड के रूप में ही पहचाना जाता है। 1803 में अंग्रेजों द्वारा जिला प्रणाली लागू करने पर इटावा को जिला घोषित किया गया एवं मैनपुरी को इटावा जिले का जिला मुख्यालय बनाया गया। 1856 में इटावा एवं मैनपुरी जनपदों को काटकर दो अलग अलग जनपदों में विभाजित कर दिया गया। उस समय मैनपुरी जनपद में कुल चार तहसीलें मैनपुरी, भोगांव, करहल एवं शिकोहाबाद सम्मिलित थी। आगरा रोड बड़ी खानकाह इत्यादि से होते हुए बड़ा चौराहा पर पहुंचता है, जहां से उत्तर में कृष्णा सिनेमा रोड एवं दक्षिण में करहल रोड प्रारंभ होता है। यहां से आगरा रोड सदर बाजार के रूप में पहचाना जाता है। सदर बाजार मैनपुरी शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में एक है। 1989 में मैनपुरी जिले के शिकोहाबाद, सिरसागंज, जसराना इत्यादि क्षेत्रों को फिरोजाबाद जिले में स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में मैनपुरी जनपद में छह तहसील मैनपुरी, करहल, भोगांव, किशनी, कोरावली एवं घिरौर हैं। सदर बाजार संता बंता चौराहा, पोस्ट ऑफिस चौराहा से होकर क्रिश्चियन कॉलेज तिराहा पर पहुंचता है। इस महत्वपूर्ण चौराहे से दक्षिण की ओर मुख्य सड़क रेलवे रोड प्रारंभ होती है। क्रिश्चियन कॉलेज तिराहा से पूर्व की ओर मुख्य सड़क कचहरी रोड के रूप में पहचानी जाती है, जहां कुछ दूरी तय करते ही उत्तर की ओर मैनपुरी डिपो का बस स्टैंड स्थित है, जहां से दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों समेत राजस्थान इत्यादि के लिए बस सेवाएं उपलब्ध हैं। यहां से आगे पूर्व की ओर कचहरी रोड, कोतवाली सदर, आश्रम रोड तिराहा, जिला अस्पताल, तहसील सदर, आवास विकास कॉलोनी इत्यादि से होते हुए लगभग 1.5 किलोमीटर सफर तय करके एक और मुख्य चौराहे महाराजा तेज सिंह चौक पर पहुंचती है। इसी चौराहे पर शहर का माँ वैष्णो मॉल स्थित है। इस बेहद व्यस्त चौराहे से दक्षिण पश्चिम में राधा रमन रोड बाईपास के रूप में भावत चुंगी की ओर, दक्षिण पूर्व की सड़क कचहरी रोड होकर एलाऊ एवं कुसमरा की ओर एवं पश्चिम की ओर मुख्य सड़क भोगांव रोड के रूप में ईसन नदी के सेतु को पार करके कोरावली चौराहा पर पहुंचती है। कोरावली चौराहा से उत्तर में मुड़ने वाली सड़क एटा, बुलंदशहर एवं दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाती है एवं पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क भोगांव रोड के रूप में ही जानी जाती है। यह सड़क आगे चलकर जेल चौराहा से दो भागों में बंटकर अलीगंज एवं भोगांव की ओर निकल जाती है। महाराजा तेज सिंह चौक से दक्षिण पश्चिम में जाने वाली मुख्य सड़क राधा रमन रोड भी मैनपुरी शहर में तेजी से विकसित होते हुए क्षेत्रों में एक है। इस सड़क पर दोनों ओर आवास विकास एवं बुद्ध विहार जैसी उच्च स्तरीय आवासीय कॉलोनियां बसी हुई हैं। राधा रमन रोड 1 किलोमीटर सफर तय करके भावत चौराहा पर पहुंचता है। भावत चुंगी मैनपुरी शहर के बेहद व्यस्त एवं विकसित चौराहों में एक है। भावत चुंगी से दक्षिण पूर्व की ओर जाने वाली सड़क भावत एवं किशनी होकर बिधुना औरैया की ओर प्रस्थान करती है। दक्षिण पश्चिम की सड़क स्टेशन रोड एवं उत्तर पश्चिम की ओर प्रारंभ होने वाली मुख्य सड़क रेलवे रोड के रूप में पहचानी जाती है।
जो भावा चुंगी को सदर बाजार स्थित क्रिश्चियन दराह से जोड़ती है। रेलवे रोड शहर के बेहद विकसित एवं उच्च स्तरीय क्षेत्रों से जुड़ी हुई एक सड़क है। इसी मार्ग से शहर के अवध नगर, हरिदर्शन नगर, पंजाबी कॉलोनी, बैंक कॉलोनी, शंकर कॉलोनी इत्यादि बसे हुए हैं। इस मार्ग पर अनेकों आधुनिक व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स विकसित हो चुके हैं। यह 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क अपने उत्तर पश्चिमी छोर पर क्रिश्चियन कॉलेज चौराहा पर सदर बाजार से जुड़ जाती है। भामाचुंगी से दक्षिण पश्चिम में स्टेशन रोड पर भी तेजी से आवासीय एवं व्यावसायिक गतिविधियां विकसित हुई हैं। स्टेशन रोड भामाचुंगी से करहल चौराहा को जोड़ता है। इस मार्ग पर मैनपुरी का रेलवे स्टेशन स्थित है। मैनपुरी रेलवे स्टेशन से शिकोहाबाद, फर्रुखाबाद एवं इटावा की ओर रेलमार्ग जाते हैं। सदर बाजार स्थित डाकघर चौराहा से उत्तर पश्चिम में शहर का बेहद मुख्य बाजार लेनगंज स्थित है। यह शहर के सबसे पुराने बाजारों में एक है। लेनगंज अपने उत्तर पश्चिमी छोर पर घंटाघर चौराहा से जुड़ जाता है। घंटाघर चौराहा मैनपुरी शहर में पुराने समय से व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहा है। घंटाघर चौराहा पर ही नगरपालिका परिषद मैनपुरी का आधुनिक कार्यालय स्थित है। इस चौराहे से उत्तर की ओर जाने वाली सड़क देवी रोड मेला स्थल होकर एटा रोड से जुड़ जाती है। पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क कृष्णा सिनेमा की ओर एवं दक्षिण में प्रारंभ होने वाला बाजार बजाजा बाजार के रूप में पहचाना जाता है। मैनपुरी शहर में पूर्व समय में 4 सिनेमाघर संचालित होते थे, जो वर्तमान में दर्शकों की बेहद कमी के चलते पूर्णतः बंद पड़े हुए हैं। बजाजा बाजार घंटाघर चौराहा से सदर बाजार स्थित संता बंता चौराहा तक फैला हुआ है। सदर बाजार स्थित बड़ा चौराहा से प्रारंभ होने वाली सड़क करहल रोड शहर के पुराने आवासीय क्षेत्रों के रूप में गिनी जाती है। अग्रवाल मोहल्ला, सराव ज्ञान मोहल्ला जैसे पुरानी आबादी वाले क्षेत्र इसी सड़क से जुड़े हुए हैं। यह मार्ग बड़ा चौराहा से लगभग 1 किलोमीटर सफर तय करके अपने दक्षिणी छोर पर करहल चौराहा से जुड़ जाती है। करहल चौराहा पर पूर्व से भामाचुंगी एवं रेलवे स्टेशन से आने वाली सड़क पश्चिम में बाईपास होकर आगरा रोड इससे सिंधिया तिराहा की ओर निकल जाती है। दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क करहल रोड के रूप में करहल एवं सैफाई होकर इटावा की ओर प्रस्थान कर जाती है। मैनपुरी जैसे सुंदर एवं आधुनिक शहर को कैमरे में कैद करना एक सौभाग्य का विषय था। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं स्वयं को भाग्यशाली समझता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैनपुरी शहर पर बनाया यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें जो मैनपुरी एवं मैनपुरी जनपद से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।